सबसे पहले अपने पास रुमाल रख लो, क्या पता इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे आंसू ना रुके। नंबर 5, पॉल गुडबाय। डायमंड एंड पर्ल की सीरीज़ में पॉल एश का बेस्ट राइवल होता है और पॉल मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब एश पॉल को हरा देता है तो पॉल डिसाइड करता है कि अब वो आगे बढ़ेगा, पर लास्ट में जब पॉल हार के आ रहा होता है तब एश उसको स्टेडियम के बाहर रोक लेता है एंड यहाँ पर उनका बहुत ही ज़्यादा सैडनेस गुडबाय हो जाता है। एंड इसके बाद पॉल पोकेमॉन एनीमे में कभी नहीं दिखा है और पॉल और एश की राइवलरी एक अलग ही लेजेंड राइवलरी थी। और जब ये दोनों गुडबाय करते हैं तो मेरे को सबसे ज़्यादा सैडनेस फील होता है एंड मुझे पॉल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये गुडबाय पोकेमॉन फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा सैड था एंड मेरे को भी जब इन दोनों गुडबाय कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। लास्ट में पॉल पहली बार रोता है एंड मैंने भी पॉल को पहली बार रोते हुए देखा था एंड पॉल काफ़ी सैड था एंड एश भी, जैसा कि आप देख ही सकते हो। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सैड मोमेंट था। नंबर 4, ब्रॉक गुडबाय। जब एश ब्रॉक सीनो लीग से वापस लौट के कैंटो जा रहे होते हैं तब डॉन को गुडबाय कहते हुए एंड वो कैंटो वापस जा रहे होते हैं एंड तभी ब्रॉक एंड एश का गुडबाय होता है। हम ब्रॉक को बचपन से देखते आ रहे हैं यार, जब हम उसका गुडबाय हो रहा होता है यार बड़ा सैड फीलिंग आती है, क्योंकि जब अब एश पायलट सिटी लौट जाता है और ब्रॉक यूटर सिटी लौट जाता है, यार ब्रॉक रिटर्न करता है सन एंड मून की सीरीज़ में और यार उसकी एनिमेशन तुम जानते हो यार, यार कितना यार बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग आती है यार ये वाला गुडबाय देख के। नंबर 3, मेग गुडबाय, मे एंड मैक्स। पोकेमॉन होएन लीग ख़त्म होने के बाद एश, मे एंड मैक्स ब्रॉक गुडबाय करते हैं। ये वाला काफ़ी ज़्यादा सैडेस्ट मोमेंट था क्योंकि हमने पूरी एडवांस सीरीज जो होएन की थी इन्हीं चारों देखकर हमने पूरी होएन की जर्नी हमने बिताई है एंड जब ये गुडबाय कर रहे होते हैं बड़ा सैड फीलिंग आते हैं क्योंकि और मेरे को भी मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी एंड। नंबर 2, डॉन गुडबाय। सीनो लीग ख़त्म हो जाती है एंड डॉन को भी इनको गुडबाय करना ही होता है यार, ये गुडबाय मेरे लिए बहुत ज़्यादा सैड था यार, सबसे ज़्यादा सैड मिली क्योंकि डॉन मेरी फेवरेट पोकेगर्ल थी यार, मेरे को ये मोमेंट इतना सैड लगा यार कुछ कह नहीं सकता यार, इनका गुडबाय यार मैं क्या ही बोलूँ, इतना सैड था यार कुछ कहूँ मत एंड मैं तो समझ सकता हूँ कि मेरी डॉन कितनी फेवरेट है एंड मेरे को एक गुडबाय कम बहुत रुलाया यार, सच्ची कह रहा हूँ बहुत रुलाया। और फिर एश ब्रॉक चले जाते हैं सीनों से कैंटो एंड गुडबाय कर देते हैं इनको एंड यार पिपलप को भी गुडबाय हुआ यार पिकाचू। और पता है डॉन वापस आती है ब्लैक एंड वाइट की सीरीज़ में यार, डॉन वापस आती है। नंबर 1 से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। जोडो लीग के लास्ट में एश ब्रो एंड मिस्टी का
गुड बाय हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही सैडेस्ट वाला, बहुत ज़्यादा सैडेस्ट वाला।